आप देखोगे तो आज के मतलब यूथ में एक स्टार्टअप के लिए क्रेज भी रहता है कि मतलब बहुत सारे हमने सक्सेसफुल स्टार्टअप की स्टोरीज सुनते हैं, तो स्टार्टअप के लिए मतलब एक रहता है कि यार स्टार्टअप में यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन, देर आर चैलेंजेस, आपने सब बोला वगैरह सब चीजें। तो फिर मतलब एम्प्लॉयमेंट इज टोटली वर्थलेस, किसी ने एम्प्लॉय बनना ही नहीं चाहिए, मतलब जॉब वगैरह करनी नहीं चाहिए, शुड एवरीवन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, सब लोग ने स्टार्टअप में आना चाहिए। फिर अगर सब लोग स्टार्टअप ही चालू करेंगे तो उनके लिए काम कौन करेगा, उनका एम्प्लॉय कौन बनेगा? ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक ही बनता है ना, इट्स यू आर सेइंग लाइक इफ वी ऑल ऑफ अस डू द सेम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस लाइक सचिन, डू यू थिंक वी ऑल विल बिकम सचिन? नहीं, ऐसा नहीं है। द नेचर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मे बी समबडी इंस्टेड ऑफ ही वुड हैव बीन इन माय प्लेस एंड ही वुड हैव फेस्ड फर्स्ट फेल्ड स्टार्टअप, ही वुड हैव गॉन बैक टू द जॉब, बट आई स्टूड, नहीं चलो एक और ट्राई करते, दूसरा फेल हो गया, एक और ट्राई करते, तीसरा फेल हो गया, चौथा हिट गया, सो दैट गाय मस्ट हैव गॉन बैक टू द जॉब मार्केट, राइट? सो इट्स कंप्लीटली इंडिविजुअल। आई एम नॉट सेइंग स्टार्टअप इज फॉर एवरीबडी, एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर एवरीबडी, बट आई वुड रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर गोइंग टू वॉच अस, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर जॉब, प्लीज डोंट नो ड्रैग योर सेल्फ ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ no right. misery on your face, okay? My heart melts for such people. I have some friends, main bolta hu yaar ek life hai na, try karke dekho na, 2 saal zindagi de nahi sakte tum, take right. permission from your parents, take permission from your spouse, give me 2 years, if I don't prove, okay fine, I'll go back to the job, no big deal, yeah right. come on, aisa nahi hai, wo dar hai na, see in the name of responsibilities, actually it is the fear of future, raste pe aa jaunga. ऐसे रस्ते पे अचानक कोई नहीं आता है। इफ योर लास्ट 10 जनरेशंस आर हैव नॉट फेस्ड अ हैंड टू माउथ सिचुएशन, हाउ कम यू विल बी सो अनलकी दैट योर जनरेशन विल बी ऑन रोड्स, ऑन स्ट्रीट्स? ऐसा नहीं होता है, इट्स अ फियर ऑफ फ्यूचर, सो इट्स नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ यू से दैट आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई आइडिया, आई विल नॉट वर्क ऑन माई पैशन, देन यू आर इंसल्टिंग दोज पीपल हु टुक रिस्क, दैट मीन्स दे डिड नॉट हैव एनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा है, they had a perfect, yeah, perfect sab tha, 10 crore bank balance tha, experience tha, no risk, zero risk, isliye maine company shuru ki. That's what, it's not the smart that goes to the top, it is the bold that goes to the top. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates were not smarter, no smarter at all than you and me, but they were bolder, they had the audacity and courage to take risks. And you're never 100% prepared to take a risk. Never. Aisa ideal situation kabhi nahi aayega. The best time to start a startup is now. Main 1 crore jama karunga, phir shuru karunga. Nahi, main 10 saal tak karunga, mera pension shuru ho jayega, phir karunga. Someday is no day.